नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? आज मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कौन कौन सी ऐसी पांच वेबसाइट्स हैं जो एवरी लॉ स्टूडेंट, लॉयर तथा सभी लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को जानना चाहिए, वो पांच ऐसी वेबसाइट्स पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जैसे जो लॉ स्टूडेंट हैं, एवरी लॉ स्टूडेंट, लॉयर एंड एस्पायरेंट मस्ट विजिट एंड फॉलो दीज वेबसाइट्स। इसमें लीगल कैरियर के लिए जो इंटर्नशिप आदि करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैं न्यायाधीश के रूप में मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर ये वेबसाइट्स मैं आपको बतला रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगी। सबसे पहली वेबसाइट है livelaw.in। लाइव लॉ इन में करंट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के केसेस जो भी डे टू डे डिसाइड होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उनको लाइव लॉ इन में दिया जाता है। इसके बाद व्हाट एवर गोइंग ऑन इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, फॉरेन न्यूज़ अपडेट्स के बारे में कॉलम, इंटरव्यू, ये सब इसमें लाइव लॉ इन में मिल जाता है। फॉरेन न्यूज़ क्या है, कंट्रीज में क्या लीगल पोजीशन है, क्या लीगल इश्यूज हैं, सारी स्थिति लेटेस्ट पोजीशन को लेते हुए लाइव लॉइन डॉट इन में मिल जाता है। इसमें आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कंपाइलेशन ऑफ जजमेंट, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट एंड लॉयर्स आल्सो, एडवोकेट्स आल्सो। इसके बाद लॉ स्कूल कॉर्नर भी इसमें एक वेबसाइट उसी के साथ है, पार्ट है, जिसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह लॉ स्कूल्स में कैसे मूट कंपटीशन कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल जो कोर्ट्स हैं मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, उनका फंक्शन कैसे सीखा जाता है, कैसे आदमी या एडवोकेट आगे जाकर कोर्ट में केसेस कंडक्ट करेंगे, क्या उसमें प्रोसीजर होगी, किस तरह कोर्ट की प्रक्रिया को जाने, इंटर्नशिप वगैरह, जॉब कैरियर्स, जॉब क्या क्या लग सकते हैं इसमें, ब्लॉक रिव्यू, लॉ बुक्स वगैरह कौन सी होंगी, लॉयर्स जैसे लॉ फर्म्स आदि में इन सब की जानकारी, किस फर्म में कौन 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 से लोग हैं, ये सारी डिटेल आपको एमंग लॉयर्स ये सब लाइव लॉ डॉट इन में मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड वेबसाइट है इसी की इम्पॉर्टेंट वेबसाइट लॉ ऑक्टोपस। लॉ ऑक्टोपस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जॉब कहाँ कहाँ होंगे इसके बारे में पूरा सेमिनार्स, ब्लॉग्स, कॉल फॉर पेपर्स, ये सब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगेंस्ट लॉयर जजेस, ये सब वर्कशॉप्स, डिबेट्स, इनकी डिटेल आदि सब ऑक्टोपस वाली इस वेबसाइट में मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंटर्नशिप, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लॉयर्स के साथ कौन कौन से के साथ आप काम कर सकते हैं इंटर्नशिप, जज के साथ कोई इंटर्नशिप वगैरह, एनजीओ के साथ भी कर सकते हैं, काफ़ी बार जॉब और इंटर्नशिप को भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आई प्लीडर्स नेक्स्ट वेबसाइट है, आई प्लीडर्स। आई प्लीडर्स में फॉर ब्लॉग, लॉ कैसे सीखो इसके बारे में पूरी व्यवस्था इस वेबसाइट में दी गई है। लॉ सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसमें, लॉ कैसे सीखें, डिप्लोमा इन आईपीआर है, डिप्लोमा इन साइबर लॉ है, डिप्लोमा इन लेबर लॉज है, डिप्लोमा इन कंपनीज लॉज है। मोस्टली ये 12 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। एवरी टॉपिक ऑफ लॉ इज कवर्ड इन ऑल ब्लॉग्स, लिंक्स के द्वारा आप इसमें पूरी डिटेल वेरियस आर्टिकल्स के बारे में सबमिट करके और भेज सकते हैं। कोई लॉग पे आर्टिकल भी लिखते हैं तो वो आप इसमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक वेबसाइट है एडवोकेट खोज। एडवोकेट खोज के अंदर ड्राफ्ट्स, लीगल जो टिप्स हैं आपको डेली रूटीन में जो ड्राफ्ट्स बनाने होते हैं, जैसे वसीयत है, विल है, पार्टनरशिप डीड है, सेल डीड है, ऑल एग्रीमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहाँ बेयर एक्ट्स वगैरह कई चीज के नहीं मिल पाते हैं, वो सब पूरी डाउट क्लियर करने के लिए लॉयर्स रहते हैं, लीगल ओपिनियन भी आप इनसे ले सकते हैं व्हाट्सएप आदि के ग्रुप के द्वारा। तो ये एडवोकेट खोज भी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है लॉ की फ्रेटर्निटी के जो स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है इंडियन कानून फॉर ऑल फ्री लीगल जजमेंट्स। ये इसमें सारे कोर्ट्स के केसेस रहते हैं, इसमें ऑर्डर कैसे हुआ, जजमेंट कौन सा हुआ, लीगल फ्री एक्सेस टू ऑल है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट केसेस, मनु पात्रा, लॉ पैड आदि आते हैं इसमें। मान लीजिए आपको मर्डर से रिलेटेड कोई जजमेंट है, रेप से रिलेटेड कोई जजमेंट है, डेकोइटी से संबंधित जजमेंट है रिलेटेड, आईपीसी वगैरह, तो प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे।
इसमें एडवांस सर्च करने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आप प्रेफर करना चाहते हैं वो केस का नाम, साइटेशन नंबर, डेट आदि सर्च करके आप डाल सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर को देख सकते हैं, लीगल अपडेट्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार मेरा ये मानना है एक्सपीरियंस के आधार पर कि इन पांच जो वेबसाइट मैंने आपको बतलाई, इन पांचों टॉप फाइव वेबसाइट्स के द्वारा आप काफ़ी कुछ क्वेरीज करके एक सफल प्रैक्टिशनर और लॉ स्टूडेंट जो भी है लीगल फील्ड, लीगल फ्रेटर्निटी में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इस पांच वेबसाइट्स जो बताएं मैंने, लाइव लॉ इन, लॉ ऑक्टोपस, आई प्लीडर्स, एडवोकेट खोज एंड इंडियन कानून फॉर ऑल फ्री लीगल जजमेंट्स, ये पांचों जो वेबसाइट्स हैं ये लॉ के फील्ड में काम करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं। इनके द्वारा आप बहुत सारी व्यवस्था को, कोर्ट के केसेस को, जजमेंट को, फ्री लीगल एक्सेस टू ऑल है, आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और एक अच्छे सफल लॉ स्टूडेंट या लॉयर के रूप में आप काम कर सकते हैं। मेरी इस शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ यहीं पर। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों परिचित संबंधियों को भी इसे शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।